नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आरिफ मोहम्मद खान देश के उन मुसलमानों में से एक हैं जिन्हें राम मंदिर से कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। जो मुसलमान राम मंदिर से खफा हैं, उन्हें केरल के राज्यपाल को जरूर सुनना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनवाएंगे। उससे पहले आरिफ मोहम्मद खान के बारे में ज्यादा जानने के लिए इस वाक्य को याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरिफ मोहम्मद खान से खासा नाराज रहती है, क्योंकि कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ती बीजेपी और आरएसएस को मुस्लिम विरोधी साबित करने में। और ऐसा ही कुछ बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में दिया था, जिसे दूसरे तरह से परोसा गया और अखबारों के पन्नों में भागवत का बयान पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय खासा नाराज हो गया और बयान पर स्पष्टीकरण की मांग उठने लगी। पहले चलिए जानते हैं आखिर मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा था जिसकी सफाई मोहम्मद आरिफ ने दी थी। आपको बता दें कि भागवत का बयान था जिसमें दावा किया गया था कि हिंदू 1000 साल पुराना युद्ध लड़ रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, घृणा भाषण और हिंसा को मान्य करने के प्रयास के रूप में देखा गया था। जब इस बयान पर विरोध होने लगा और इसे दूसरे तरह से परोसे जाने लगा, तब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस पर सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बहुचर्चित बयान को मुस्लिम समुदाय ने पूरी तरह से समझा नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेताओं को भाजपा का अंध विरोध करने के बजाय समुदाय को समझाना चाहिए कि आरएसएस प्रमुख वास्तव में कह क्या रहे हैं। आरिफ खान ने कहा था कि वर्तमान में भारत में रहने वाले मुसलमानों या इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को अपनी सर्वोच्चता की विचारधारा को छोड़ना होगा। किसी को भी अपने जन्म के आधार पर भारत में श्रेष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं है। इस तरह से आरिफ मोहम्मद खान बार बार अपनी सुर्खियों से कांग्रेस को मिर्ची लगाते रहे हैं। अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अहम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपनी विरासत के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं है। एक दूसरे से टकराने के बजाय हमें सभी को एक साथ लाने के तरीके खोजने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे देश में हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम अपनी विरासत से पूरी तरह परिचित नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि आरिफ मोहम्मद खान ने ज्यादा जोर दिया है कि हमें अपनी विरासत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर आरिफ मोहम्मद का उन लोगों पर निशाना है जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद आरिफ हमेशा से राम मंदिर के पक्ष में बयान देते रहे हैं। आरिफ मोहम्मद यहां तक कह चुके हैं कि भगवान राम के बिना भारत की कल्पना की ही नहीं जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम भारत की एकता के आधार हैं, राम के बिना तो भारतीय संस्कृति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। यानी कि जो लोग बार बार राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जो मुसलमान राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें आरिफ मोहम्मद को सुनना चाहिए। आप खुद ही सुनिए आरिफ मोहम्मद ने क्या कुछ कहा। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा है, हमारे देश में हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी विरासत से पूरी तरह परिचित नहीं है। हमारा देश दुनिया का अकेला देश है जिसमें दो तरह की जीत कही गई है, एक विजय और एक जय। विजय कहते हैं जहां आप किसी को हराइए, और जय कहते हैं जहां हारता कोई नहीं, सबकी जीत है। अभी आपने चंपत राय जी को सुना क्या बोल रहे थे, इसे पूरे देश का उत्सव बनाइए, पूरी दुनिया का उत्सव बनाइए, ये सबका उत्सव है। बस मैं इन चीजों पे जो अदालतों में, मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि सुख से रहना है तो बजाय एक दूसरे से टकराने के हमेशा वो रास्ते ढूंढे जा सकते हैं जो सबको साथ ला सके। तो हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।